ओके, फाइनली आज तक की सबसे डम्बेस्ट मूवी अभी अभी देखकर आया हूँ मैं। स्पेशली इस मूवी को देखने के लिए मैंने ऑफिस का हाफ डे लिया, बट क्या ये मूवी वर्थ इट थी उसके? आई नो आपने बहुत सारी बुराइयां इसके VFX को लेकर, इनके कैरेक्टर्स के लुक्स को लेकर पहले ही सुन ली होगी, बट ट्रस्ट मी, ये सिर्फ अपने VFX और लुक्स को लेकर खराब नहीं है, बल्कि इस मूवी की स्क्रिप्टिंग इतनी ज्यादा डम्ब है जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि हम सबको पता है कि रामायण को लेकर हमारा कनेक्शन उनके डायलॉग्स, उनकी सीखों से मिलता है, बट इस सेक्शन में ये मूवी बहुत ज्यादा लैग करती है, क्योंकि इसके पास ना तो अच्छे डायलॉग्स थे, अच्छे तो दूर की बात, इनके पास सफिशिएंट डायलॉग्स तक नहीं थे, जो कि बहुत ही डम्ब सी चीज थी। जिसके अलावा रामायण के साथ हमारा कनेक्शन उसमें हुई घटनाओं से होता है, बट ये मूवी 3 घंटे की होने के बावजूद भी इतने सारे रेफरेंसेस को लैग करती है जिसकी कोई हद ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मूवी काफी फास्ट फेस थी। मूवी को शुरू ही सीता माता के हरण के साथ किया गया, हर रेफरेंस या तो गलत था या तो उलट था। खैर ये तो रही रेफरेंसेस के बाद, जिसको लेकर मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ, एंड बाकी रही सही कसर इसके VFX ने कर दी। ऑफ कोर्स इनके कैरेक्टर्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा बेकार थी, बट ये सारी बाजी मार जाते हैं इसके एस्थेटिक्स को लेकर। जो भी CG जनरेटेड लोकेशंस है वो सच में बहुत कमाल की लग रही है। जिस भी VFX का यूज किसी कैरेक्टर पर किया गया है वो उसको बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। मतलब वो लंबा इंतजार जो इन्होंने इसे इम्प्रूव करने के लिए लिया, बल्कि इट्स मोर लाइक कि उन्होंने इसे खराब करने के लिए टाइम लगाया। बट ऐसा नहीं है कि मूवी में सब कुछ ही बेकार था, मूवी का थीम म्यूजिक बहुत ऑसम था, बट ओवरऑल ये मूवी एक कैश ग्रैबिंग मूवी है। क्यों इस पे इतना सारा पैसा खर्च किया गया, इसका कोई सिर पैर नहीं है। तो ऑब्वियसली ये रामायण नहीं बल्कि रामायण की एक पैरोडी फील होती है। मुझे पता नहीं कि इन्होंने इसे बनाते टाइम किसी एक्सपर्ट से सलाह ली या नहीं, क्योंकि मूवी के मेजर पॉइंट्स, जिन चीजों को मिलाकर एक्चुअल रामायण बनती है, वो सब कुछ यहां से गायब। क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए? तो मेरा सीधा सीधा आंसर है, अगर आपको अपने पैसे प्यारे हैं तो मत जाओ। बाकी इसके डायरेक्टर कह रहे थे कि ये बड़े पर्दे पे देखने वाली मूवी है, तो भाई हमने बड़े पर्दे पर भी देख ली। बट इसी वीक एक बहुत अच्छी मूवी आई है जिसने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। मूवी का नाम है द फ्लैश। उसका रिव्यू जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो वरना राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा।